मित्रों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियों थी, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थी। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रासलीलाएं किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन मित्रों, क्या आपको यह पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वह हमेशा ही राधे श्याम नाम का ही जप करते हैं। दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का कहीं जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब आखिर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी विश्व भानु नाम के गवाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण के एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई और उन्होंने कृष्ण को पहली बार तब देखा जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए ओखली से बांध लिया था। मित्रों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना चालू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने ये बात यशोदा माता को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय कराया तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंच केबल आने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वो चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनसे बिना कुछ कहे ही उनको अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोती थी और समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है
कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा का भाई प्रयाण से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। वैसे मित्रों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह न होने के पीछे दो कथाएं और भी प्रचलित है, जिसने पहली कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि ऋषि शुक्ला आचार्य भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र शुक्ला आचार्य के बजाय भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्ला आचार्य ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दी और उनके गुरु बन गए। असुरों का गुरु बनते ही शुक्ला आचार्य ने देवराज से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनके सामने यह समस्या खड़ी थी कि यह देवताओं को तो तवा मार्ता का वरदान मिला हुआ था, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं था। इसी वजह से राक्षस कभी भी देवता से नहीं जीत पाते थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसी के साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी वरदान पाने की सूची। मित्रों, आपको बता दे कि संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान के लिए जब शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और काव्य माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान न पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान न पहुंचा सके और इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धर से अलग कर दिया। हालांकि ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी यानी की काव्यमती को कामधेनु गाय की मदद से वापस जिंदा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी भी योग सहना पड़ेगा। और मित्रों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था। अब मित्रों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ना हो पाने के पीछे एक और कथा भी काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि एक बार देवऋषि नारद को ये घमंड हो गया था कि खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकते। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना देवऋषि नारद का ये घमंड तोड़ा जाए। और जब देवऋषि नारद एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहां माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब नारद मुनि उस नगर में गए और वो माता लक्ष्मी के एक झलक देखते ही वे उन पर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी के रूप और सुंदरता को देखकर देवऋषि नारद का ब्रह्मचर्य तो भंग हो ही चुका था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्वयंवर में भाग ले लिया जाए, लेकिन इससे पहले देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। मित्रों, आपको बता दें कि हरि का एक और अर्थ वानर होता है, लेकिन देवऋषि नारद ये बात नहीं जानते थे और भगवान विष्णु ने उन्हें एक वानर रूप दे दिया। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आई तो देवऋषि नारद के वानर वाले रूप को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसी के साथ साथ देवऋषि नारद का स्वयंवर में खूब मजाक भी उड़ाया गया। उसी समय की बात है
कि भगवान विष्णु भी एक राजा भेष रखकर उसी स्वयंवर में आ गए और भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। ये सब देखकर स्वयंवर में बैठे सभी लोग देख ऋषि नारद की और भी ज्यादा हंसी उड़ाने लगे और उन्हें कहा कि पहले जाकर अपना रुख तो देखो। जब देवऋषि नारद ने शीशे में जाकर अपना रूप देखा तो इन्हें अपना बानर वाला रूप देखकर बहुत गुस्सा आया। इसी के साथ साथ देवऋषि नारद भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री भी योग में तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम्हें भी अपने हर जन्म में स्त्री भी योग सहना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ समय बाद नारद मुनि को अपने गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से इस बात के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को क्षमा करते हुए बताया कि ये सब तो उनकी ही माया थी। वैसे मित्रों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इनमें से किस श्राप के कारण श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।